हेलो दोस्तों, राम राम। तो आपका स्वागत है एक छोटे से ब्लॉग में, जो एक नया ब्लॉग फिर से लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो केदारनाथ की बुरी दशा, मतलब केदारनाथ मंदिर नहीं, तो उसका रास्ता है, उसकी बहुत बुरी दशा हो चुकी है। आपको सबको पता है कितनी ज्यादा टूट फूट हो रही है। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। मैंने छोटी छोटी क्लिप निकाल रखी है अलग अलग जगहों से, क्योंकि हम भी नहीं जा सकते उधर इधर उधर। हमको पता है पहाड़ों में कितनी ज्यादा टूट फूट होती है, रिस्क है, पूरा रिस्क। तो जानकर रिस्क तो हम भी नहीं ले सकते, बट एक बार इस वीडियो को पूरी देख लें। भाई साहब, खाई देके डर लग रहा है यार। ये वाला दुकान देखो यार, के ना इतने ज्यादा बुरे हाल हो रखे ना, मेरे को तो लग रहा है पूरे 2 महीने लग जाएंगे। लेकिन भाई ये चेक करो, ग्लेशियर के हाल ये हो रखे। यहाँ पे एक बड़ा सा ग्लेशियर हुआ था और अभी भी टूट ही रहा है। जहाँ पे बड़ा सा ग्लेशियर हुआ करता था और ग्लेशियर के ये वाले हाल हो रखे। आपको पता होगा ग्लेशियर कितना बड़ा हुआ करता था यहाँ पे, और आज ये ग्लेशियर के हाल है। ओ शिट, ग्लेशियर वाली पूरी घाटी घाटी बन रही है। ये चेक कीजिए, पूरा जा चुका है। जो ये बॉडी दिख रही है ना आपको, खतर की है, पूरा दब गया मलूर में। पता नहीं इसके साथ आदमी की दवा या क्या दवा, इतनी बदबू आ रही है ना यहाँ पे, इस वाले जोन पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। और यहाँ पे खतर दब गया, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने दब चुके हैं, भयंकर वाली बदबू आ रही है। और ये हमारा स्टाफ आ रहा है, शॉर्टकट वाला रास्ता। पूरा बड़ी खाई बन रखी है और ये खाई नीचे नदी तक है, पानी भी आ रहा है। यहाँ से शॉर्टकट हुआ करता था और इसकी बार यात्रा जो है ना इसी वाले ट्रैक से होके निकली थी, लेकिन इस बार तो वो वाला ट्रैक भी नहीं बचा है। पूरे ट्रैक के बुरे हाल हो रखे हैं यार, क्या बताऊँ मैं खुद। मेरे को यहाँ से नीचे देखने में डर लग रहा है। ये देखो, ये रास्ते के ऐसा हाल हो रहा है। देखो भाई, दुकान के करेटे तक बाहर आ रखे, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, सब तहस नहस हो गया। कुछ नहीं बचा भाई केदारनाथ में, कुछ भी देखने को नहीं बचा है। बड़े बड़े होटल्स जो भी थे, टीन सेट, रेन सेट और टेंट कैंप जो भी लगा रखे थे, सब टेंट ने इसको लगाए हैं। बुरे हाल है, बड़ा पत्थर आपको याद ही होगा यार। लेकिन इस वाले पत्थर के सामने पे जो शॉर्टकट वाला रास्ता था ना भाई साहब, खाई देख के डर लग रहा है। देखो नीचे खाई ऐसे हो रखी है, यहाँ से शॉर्टकट था उधर जाने को, वो जो ट्रैक दिख रहा है। पिछली बार यात्रा बढ़िया से चली थी यार, लेकिन इस बार कोई भी नहीं है। ये देखो भाई, ऊपर से कितना ज़्यादा बह चुका है। यहाँ नीचे देखने में पूरा डर सा लग रहा है, खाई नदी तक बन रखी है। ये टीएफ के हाल हो रही है। देखो शौचालय के क्या हाल हो रखे हैं, शौचालय के पीछे से ही मलबा आ गया है। छोटी लिंचोली के पास का नज़ारा है ये, ये देखो। ये दुकान ही था, पूरा बर्बाद हो चुका है। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ गए और दुकान के बुरे हाल हो गए। बगल वाले में ये वाला थोड़ा सेफ है, लेकिन इसका तो क्या बताऊँ यार, पता नहीं आने वाले कोई आइडिया नहीं है। एक साल में तो जाने थे,
ये देखने को मिलता है। प्रत्येक 5 कदम के बाद कुछ ना कुछ कांड हो रहा है, प्रत्येक 5 कदम में जिसका मैं पूरा बैठता है भाई। इतने बड़े पड़ाव में सबसे डेंजर वाला जोन मुझे यही लगा है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की और डेंजर वाला जोन था भाई, ऐसे लग रहा था। ये देखो सब बह चुका है, रास्ते का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वहाँ ऊपर से होके निकलना पड़ रहा है। फाइनली कालू की जान भी बचा दी है। इसे चेक करने पे मंदाकिनी के पहाड़ कुछ ऐसे हो रहे हैं, पूरी ड्रावनी सी लग रही है अभी तो, क्या बताऊँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वाला मंजर देखे मेरे को तो साला 2013 की याद फिर से आने लगी है। दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी तो आपको बुरा लगा होगा कि इतना ज्यादा टूट फूट हो रहा है केदारनाथ में, जो केदार बाबा के दर्शन करने जाते थे यात्री लोग वो कहीं मर के दफन हो गया है धरती में, पता ही नहीं चला है किसी का, किसी की तो डेड बॉडी ही नहीं मिली। ऐसा होता है, ऐसा हो भी गया है। तो टूट फूट हो रही है इतनी तगड़ा, कहीं गाड़ियां तबाह हो गई है केदारनाथ के ट्रैक पे, इतना बुरे हाल है कुछ बता नहीं सकता मैं। तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। और केदारनाथ में सबको पता है जैसे पहले था सबसे पुराना वैसे ही रहना चाहिए, ज़्यादा अगर उधर कुछ ज़्यादा होगा, जो चीज़ भी ज़्यादा होगा तो मंदिर जो है, जो केदार बाबा है वो तो कुछ ना कुछ करेगा। अगर आप लोग कुछ गलत करोगे तो भगवान सजा ज़रूर देगा, यही चीज़ है। बस इससे ज़्यादा दिल्ली में बनने वाला था तो टूट फूट उधर हो गई है, दिल्ली में नहीं की। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी है बहुत बुरा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।